दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तानी सियासतदान हिना रब्बानी खर के बारे में बताएंगे। हिना रब्बानी खर 19 नवंबर 1977 को मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुई। हिना का ताल्लुक एक सेहतमंद सियासी और जागीरदार घराने से है। वो मारूफ सीनियर सियासतदान गुलाम नूर रब्बान की बेटी हैं और इनके चचा गुलाम मुस्तफा खर साबिक गवर्नर पंजाब हैं। हिना की शादी फिरोज गुलजार से हुई। इनका एक बेटा और दो बेटियां हैं जिनका नाम अनाया और दीना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त आपको मिलता रहे। हिना ने बीएससी इकोनॉमिक्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज से किया, जिसे लम्स भी कहा जाता है, और फिर रियासत हाय मुतहद्दा की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसने 2002 में एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। हिना रब्बानी खर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी से पहले वो PMLQ की रुकन थी। वो 2002 के आम इंतखाबात में सियासी स्टेज पर उभरी और मुशर्रफ हुकूमत के दौरान शौकत अजीज की काबीना में काम किया। 2008 में अपने इंतखाब के बाद वो सबसे पहले वजीरे मुमलकत बराए खजाना और इक्तसादी अमूर और बाद में वजीरे मुमलकत बराए खारजा अमूर मुकर्रर हुई। कौमी असेंबली में बजट की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून भी रही है। हिना ने अपना पहला इलेक्शन 2002 के आम इंतखाबात में NA-177 से लड़ा। 2008 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर NA-177 से दोबारा मुंतखिब हुई। इसने 2013 में इलेक्शन नहीं लड़ा था ताकि इसके वालिद इनकी जगह ले सकें, जो उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे। हम इनके वालिद 2013 के इलेक्शन में हार गए। 2018 में हिना ने सियासत में वापसी की और रिजर्व सीटों पर ख्वातीन की असेंबली के लिए नामजद हुई। शुमार पाकिस्तान की कामयाब तरीन वजीरे खारजा में होता है। लाहौर और इस्लामाबाद में पोलो लाउंज के नाम से एक रेस्टोरेंट की भी मालिक हैं। ताहम वो अब भी
पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं।